आपको देखने से? देखने से हमको शक लग रहा है कि जहर दिया गया है, इसी के चलते पोस्टमार्टम किया गया है। आ हम लोगों को खबर मिला कि मट्टी दियाएगा, तो मट्टी देने के गोर लगतनी समाचार बटुए चौगाई से खबर के हेडलाइन सुनी। संदेहास्पद स्थिति में भइल विवाहिता के मौत, बाप कहले कि क दिहल गइल हमर बेटी के हत्या। पुलिसिया पचड़ा में पड़े के कारण ना दर्ज करवैलन FIR। जी हाँ, खबर विस्तार से जानी। चौगाई में एगो विवाहिता के संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। यह मौत के जानकारी जैसे ही यह बेटी के बाप के लागल भागल भागल अपन बेटी के देखे खातिर चौगाई पहुँच गइलन। मामला मुरार थाना के चौगाई से जुड़ल बटुए। कृष्णावरम थाना के अरियाँव गांव के रहे वाला मोहम्मद हफीज अपन बेटी तरन्नुम खातून के शादी दिसंबर महीना 2021 में कैले रहन। बाप के कहना बा कि शादी के कुछ दिन के बाद ही दहेज के मांग होखे लागल। एकरा बाद लगभग 3 महीना के बाद, शादी के 3 महीना के बाद हमार बेटी के ओकर पति असलम हुसैन, पिता अली हुसैन, जौन कि चौगाई के रहे वाला हवन, ई जौन बटुए पहुँचा दिले, हमरा गाँवे पहुँचा दिले। एकरा बाद हमनी के अपन बेटी के देख रेख करे लगन। या लगभग 7 महीना तक एकर कोख में पल रहल एगो बेटी जन्म लेल। 7 महीना के बाद, बेटी के जन्म के 1.5 महीना के बाद, विवाहिता के पति असलम हुसैन हमार लड़की के ले जाए खातिर अलन, लेकिन हमार बेटी अपन ससुराल जाए खातिर तैयार ना रहे। एकरा बाद लोग के द्वारा समझौता के बाद बाप अपन बेटी के अपन दामाद के असलम हुसैन के सौंप दिलस। लड़की के चौगाई लेला के बाद एकर पति असलम हुसैन एकरा के लेके 27 तारीख के सिकंदराबाद चल गेलन। एकरा बाद 4 तारीख के सुबह 4 बजे लड़की के पिता के फोन कइल गइल कि राउर लड़की बीमारी से मरी गई, आई रौरा चौगाई मिट्टी देवे के बाबू मर गई भी। आनंद फानंद में पिता थाना के शरण लेलन। जब इस संबंध में मुरार थाना के थाना प्रभारी रविकांत से बात कइल गई तो थानेदार जांच करे के बात कहनी। पिता कहनी कि हमार बेटी के जहर दे के मार दिहल गई बा, एकरा पूरा शरीर काला पड़ गई बा। एकरा बाद पुलिस यह लड़की के पोस्टमार्टम खातिर बक्सर भेज दिलस। वो जे बाप के कहना बा कि पोस्टमार्टम होला के बाद मौखिक रूप से ही कह दिहल गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई बा, सामान्य मौत से रहो लड़की के मौत भइल बा। ई कहले कि हम आवेदन दिहल चाहनी, लेकिन पुलिस आवेदन लेवे से इनकार कर दिलस। लड़की के भाई समीर कहलन कि हरदम हमनी से दहेज के मांग कइल जात रहे, बाइक के मांग कइल जात रहे, जेकरा के लेके हमार बहिन के दहेज दानव मार दिलन। वही लड़का के पिता अली हुसैन कहत रहन कि आखिरकार हमनी के काहे लड़की के मारम जाए, 1.5 महीना के लड़की के जब हमनी के राख सकत रही जा तो एक माई के काहे मारम जाए। इस संबंध में DSP हेडक्वार्टर से बात भई तो यहाँ के कहनी कि पोस्टमार्टम करा के जाँच कई जाता, जौन भी मामला आई ओकरा अनुसार कार्रवाई हुई। लेकिन भोजपुरिया समाचार जब इस संबंध में लड़की के बाप से बात कैलस तो कहलन कि सरकार पहलका हाली गनी जा तो आवेदन ना लिये, अब का आवेदन दी जा, पुलिसिया पचड़ा में पड़ल नहीं जा चाह, हमनी के गरीब आदमी हैं जा साहेब, कैसे रहब जा साहेब, हमनी के अब आवेदन ना दे जाए। तो ये सबसे बड़ा सवाल सरकार सिस्टम पे खड़ा होता कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देवे वाली सरकार के राज में ई दशा बटुए कि लोग सुरक्षित नहीं खन। बयान सुनी, शेयर करी। क्या हुआ था? अब तो हम क्या बता सकते हैं, जो वो लोग तो वही लोग रिपोर्ट देंगे, हम का बाहर थी, बाहर से अपना ले आए हैं लोग, तो हमको कुछ शक हुआ, इसीलिए हम यहाँ। क्या लग रहा है आपको? हम अभी क्या बताएं, हम तो देखे नहीं तो हम क्या बताएं, आ गए लोग। कुछ तो मतलब कि तबीयत खराब हुआ होगा या कुछ बात होगा? तब ये सब रिपोर्ट तो वही लोग ने बताएंगे, हमारे यहाँ तो नहीं थी, हमारे यहाँ से तो लेके चली गए। जानकारी कैसे मिला आपको? ऐसे खबर दिया लोग फोन के, फोन लिया तब हम आए हैं। ये फोन कब आया था आपको? ये तो फोन आया रहा है, समझ लीजिए 4 बजे का लगभग। 4 बजे फोन आया था रात में आपको? हाँ रात। क्या बोले वो लोग, क्या हुआ है? आइए, लाश आ गया है, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। इसके पहले जब तक ये लोग जब तक ये लोग लेके थाना में जा करके बोले लोग, थाना वाला हमारे यहाँ फोन किया, आइए, तो हम आए। यही तो बात। तो क्या बताया आपको ये लोग कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? सीधा डायरेक्ट बोले कि ये लाश आया हुआ है, कुछ बताए होंगे वो लोग ना? हाँ, बोले कि हम ले करके आ गए। तबीयत खराब था क्या पहले से उनका, कि कुछ बात हुआ था? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था, हमारे यहाँ से ये लोग ले गए तो कुछ नहीं हुआ।
हम लोग सही भेजे। आपको देखने से हमको शक लग रहा है कि जहर दिया गया है, इसी के चलते पोस्टमार्टम किया गया है। हम लोगों को खबर मिला कि मट्टी दियाएगा, तो मट्टी देने के लिए आए ये लोग थाने पर जा कर के। हम लोग जाने कि मट्टी देना है, ये लोग थाने पर जा करके जानकारी किए। पुलिस हम लोगों को बुलाया, इनको हम अतरौना से आ रहे हैं और यहाँ तो कहाँ नहीं चौगाई हम मट्टी देने के लिए आए थे अतरौना से। तो यहाँ पर आए तो वहाँ पर देखे कि लाश को देखे तो स्याही रंग का काला चेहरा हो गया है। तो थाने पर इन लोग जा करके वहाँ जानकारी दिए हैं। मतलब देखने से क्या लग रहा था? देखने से लग रहा है कि जहर देने का शक है। इसलिए पोस्टमार्टम हुआ है, इसी से पोस्टमार्टम हुआ है। क्या लगेगा आप लड़की का? लड़की का ससुर लगेगा। क्या नाम है आपका? जमालुद्दीन। इनके बड़ लड़की से हमारे कहाँ घर है आपका? अतरौना। क्या सूचना मिला था आप एक लाश लेकर आए यहाँ पर लड़की का? वो कहीं बाहर में रह रहा था, लाश लेकर गांव पर आया था और लड़की वाला का मैंने खबर किया था। तो वो लोग आया बताया कि मैंने कि इसमें साजिश है, ये है वो है। अब सब अपना मैंने कि डॉक्टरी का जो रिपोर्ट है, डॉक्टर से इलाज कराया है, उसका रिपोर्ट है, दवा है, सब मैंने कि है उसके पास। पोस्टमार्टम हो गया है? जी पोस्टमार्टम हो गया। क्या है आप वहाँ के? चौकीदार। क्या नाम पड़ेगा? दामोदर पांडे। किस गांव से आए हैं आप? ग्राम चौंगाई से आए। सूचना पुलिस को नहीं मिली थी इसकी? है सूचना पुलिस को नहीं मिली थी, तभी ना सूचने पर ना पुलिस गया। लेकिन पिछला यहाँ पर तो पुलिस आई नहीं है। पुलिस तो हम है ना। अच्छा, आपके आपको भेजा गया है यहाँ पर? जी, वहाँ से थाना से आपको भेजा गया। मृतक के घर से हम लोग लाश बरामद की। क्या कुछ पता लगा था आपको? पता यही लगा था कि दवाई कराने बाहर से लाश ले आया है। तो दोनों मैंने कि बिटिया में मैंने चुपचुमा में हुआ, उसके पर पता चला था। पुलिस वहाँ पर गया।